Hi kids, hello everyone and welcome to an Academy Topper channel. This is your favorite D square. और आज हम शुरू करने वाले हैं पेपर प्रिडिक्शन ऑफ बायोलॉजी. जैसे कि आपने केमिस्ट्री में नितेश सर ने आपको कराया था, ऐसे एक सेशन मेरा भी था. कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी बिकॉज मेरी कल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, कॉन्टिन्यूस वर्क से एंड यू नो आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप. यस, तो शाम तक आते आते मेरी बस हो गई थी कि नहीं यार अब मैं नहीं खड़ी हो सकती. तो ऐसे आज मैं सेशन ले रही हूँ, दो चैप्टर इन 1 आवर जो है हम कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे. मतलब कि कल छुट्टी हुई थी, आज हम पेपर प्रिडिक्शन करें और कल हम वो करेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. उसके बाद हम इकोलॉजी ही शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले, क्योंकि इकोलॉजी काफी टाइम से मैंने पढ़ाई नहीं है. तो बच्चों को ये है कि मैम याद करा दो. तो कौन कोई इकोलॉजी याद करना चाहते हैं जल्दी से बताएगा चैट बॉक्स में. यस, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, यू आर इन द मोस्ट सेफेस्ट हैंड्स ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. बस तुम्हारा सिलेक्शन हमको चाहिए, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए. अब मैं बता दूं, ये जो पेपर हम आज सॉल्व कर रहे हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का कर रहे हैं. कितने बच्चों ने पेपर दिया था, सबसे पहले ऐसे झमला बना दो, एक हाथ बना दो चैट बॉक्स में अगर आपने पेपर सॉल्व किया है. तो भाई अगर आपने पेपर सॉल्व किया है तो आप बहुत ही स्पीडीली आंसर देने वाले हो चैट बॉक्स में. ठीक है, OMR शीट्स आप लेकर आए होंगे, आई जस्ट हो. तो ये जो मॉक टेस्ट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन हर जगह दिया है, वहां से आप इसको जाके हर संडे 2 से 5 बजे के बीच में दे सकते हैं. चलिए, ये जो टेस्ट है 2 अप्रैल को हुआ था. आज जो डेट है हमारी क्या है, वो हमारी सेवेंथ सेवेंथ आ गई मेरे बच्चों, सात सात अप्रैल आ गई. बट डरने की कोई बात नहीं, 21 लाख रजिस्ट्रेशन, क्या कहना है आप लोग का. व्हाट यू वांट टू से. अभी मेरे पास एक बच्चे ने जस्ट अभी व्हाट्सएप पे एक चीज भेजी है कि एक ह्यूज हेशन वाले हैं. ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकती, आपको पता है ह्यूज हेशन. ठीक है, नाम समझ जाओ, ह्यूज हेशन वाले कह रहे हैं कि कोविड आने वाला है तो एग्जाम शायद पोस्टपोन हो सकता है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ये वो, मतलब कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई कोविड से मत बचो, एग्जाम से बचो, मतलब ह्यूज हेशन वाले. तो बड़े ऐसी खबरों पे आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, सबसे पहली चीज. ठीक है, क्योंकि पेपर पोस्टपोन नहीं होने वाला. आज के डेट में कोविड को एक जुकाम, बुखार और वायरल फीवर की तरह माना जाता है. अब जो उसको स्पेशल स्टेटस हमने 2 साल पहले दिया था ना, अब वो स्पेशल स्टेटस उसे छीना जा चुका है क्योंकि वो कमजोर हो गया है, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हो. ठीक है, तो सिंस यू आर वैक्सीनेटेड गाइस, तो देखो उसका ना जो हक है ना वो छीन लिया गया है. तो इसलिए ह्यूज हेशन वालों की बातों पे बिल्कुल नहीं सुनना है, कोई भी उल जलूल वीडियो नहीं देखनी है. जस्ट स्टिक टू योर स्टडी, स्टिक टू योर प्रिपरेशन. लास्ट के 15 डेज में कैसे रिवाइज करना है मैंने आपको परफेक्ट प्लान बताया था, फिर से बता देती हूँ. हर दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 1 पेज नोट से दो दो चैप्टर रिवाइज करने हैं विद इन 45 मिनट्स. ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के बीच में 2 चैप्टर सॉल्व करने हैं. ठीक है, अच्छे से रिवाइज करने, उसके बाद उनके PYQs लगाने. दिस इज हाउ ओनली टॉपर कैन रिवाइज. कहते ना टॉपर जो होते हैं वो अलग चीजें नहीं करते हैं, वो वही सेम चीजें अलग तरीके से करते हैं. तो बच्चों आप अक्सर टॉपर वीडियोस देखते हो, आप सारी चीजें देखते हो. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आप नहीं देखते, तो आप सब चीजें देखते हैं, बट एक चीज आप नहीं देखते, उनका तरीका. आप ये देखते कि मैं सुबह बैठ जाता था, अरे मैं तो बहुत चिल था, मेरे तो अपने आप मार्क्स आ गए. आपको लगता है कि अपने आप मार्क्स आ जाते हैं, है? मैं भी वीडियोज देखती हूँ आपकी तरह. जब मैं देखती हूँ, नहीं नहीं मैं तो म्यूजिक सुनता हुआ जा रहा था. मैंने कहा अरे तू म्यूजिक सुन रहा है, भजन सुन रहा है, कुछ भी सुन रहा हो यार, हमें क्या करना, हमें तो तरीका बता. वो तरीका बच्चों यही है कि ये अपने नोट्स को कंसाइज करते हैं, लास्ट में PYQs प्रैक्टिस करते हैं 1 महीने में, और अपने जो मॉक टेस्ट है उस पर बहुत फोकस करते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट देने से डरते होंगे, सर से बताना चैट बॉक्स में. मैं यहाँ पे पोल डाल रही हूँ, आई एम पुटिंग अ पोल हियर, आर यू अफ्रेड. ठीक है, आप मुझे सच सच बताना, आपका नाम नहीं आएगा तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपका मजाक नहीं बना रहा. आर यू अफ्रेड, ठीक है, ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट? बिल्कुल बच्चों सच सच बताना. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पोल डाल दिया आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बता सकते हैं येस और नो में आंसर दे सकते हैं. येस, आर यू रियली अफ्रेड? भाई देखो अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने जितना आंसर दिया उन्होंने नो लिखा है, बट अब क्या है ना, माहौल थोड़ा सा चेंज होता हुआ पोल का, 72% बच्चे तो डरते हैं यार मॉक टेस्ट देने से. क्या बात बता रहे हो, सच में? ये पोल पता है ये ना एनोनिमस पोल होता है, इसमें हमें नाम नहीं दिखते हैं कि किसने किस बच्चे ने क्या डाल दिया है, बट ये सच है.
और वो अपने दिल की बात लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो सच में? नहीं, अगर हम मॉक टेस्ट देने से डर रहे हैं तो जिंदगी हमारी झंड हो सकती है, क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? फिर से एक सनी की स्टोरी सुनाऊंगी मैं, ये स्टोरी शायद मैं 1000 टाइम सुना चुकी हूँ यूट्यूब पे। मैं फिर से सनी की स्टोरी बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है आज का जो खिलाड़ी बनेगा मेरे इस सेशन का वो सनी बनेगा, क्योंकि आज तो मैं मॉक टेस्ट देना ही पूरा मोटिवेट करके जाऊंगी कि नालायक, अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो तुम कर क्या रहे हो, दही भी जमाने लायक नहीं हो तुम तो घर में। फिर देखो बेटा, सनी की स्टोरी सुनेंगे सब ध्यान से, इससे पहले एक बार सब दिल बना देंगे चैट बॉक्स में। अर्ज किया है, सनी एक ऐसा स्टूडेंट था, मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी। सनी पूरे साल बदमाशी करता था पीछे बैठ के। फिर एक दिन सनी को धड़ दबोचा मैंने, मैंने कहा अभी सुन, तूने कभी सोचा है कि तेरा नीट में सिलेक्शन हुआ तू क्या करेगा, क्योंकि तेरा दूसरा ड्रॉप है, ठीक है? मम्मी पापा इतना अफोर्ड कर नहीं सकते कि तेरे को शमीपाल जैसी यूनिवर्सिटी में डाल दे, शमीपाल ठीक है ना, वहां पे तो 1 करोड़ की फीस है, तूने सोचा है तेरा क्या होगा? एंड सनी के दिल पे ये बात लग गई, ठीक है? उसको मैंने धड़ के बताया कि भाई तू बता तो तू करना क्या चाह रहा है लाइफ में, क्योंकि तू पैसा नहीं कमाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, कोई लड़की तेरे को पसंद नहीं करेगी, तू अकेला रहेगा, ठीक है? और अकेला जो लड़का होता है ना वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो सनी कहता है यार, कुछ नहीं बोला, वो लड़का उस दिन चला गया। फिर क्या हुआ, लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज आती थी टॉपिक वाइज, और ये पूरे फुल सिलेबस की। फिर उसने क्या किया, पहले हम टेस्ट लेते थे उसके बाद डिस्कशन करते थे, जैसे आज मैं डिस्कस कर रही हूँ पेपर, आप टेस्ट देंगे संडे को, फिर मैं 1 क्लास डिस्कशन लूंगी, ठीक है? तो ऐसे ही वो पेपर देता था शाम में, मेरे साथ डिस्कशन के लिए आता था। आप यकीन मानोगे आज वो कौन से कॉलेज में है, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सुपर कॉलेज में, जिसका नाम है VMMC, वर्धमान मेडिकल कॉलेज। यस, वर्धमान मेडिकल कॉलेज में है वो, समझ सकते हो तुम ये बात? पता है बात ये नहीं होती कि मैं कब से पढ़ रहा हूं, जो बच्चे 2 साल से पढ़ रहे बेहतरीन, बट लास्ट में रिवाइज नहीं करेंगे तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बट जो बच्चे पूरे साल बस पढ़ रहे थे, बट लास्ट में अगर उन्हें मॉक टेस्ट दे दिया तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बच्चों, आपके अंदर बस एक चिंगारी आनी चाहिए कि टुडे इज माई डे, आज है वो मेरा दिन, और आपका दिन आज से शुरू हो रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये स्टोरी मैंने 1000 बार यूट्यूब पे सुनाई है, सनी की स्टोरी, क्योंकि वो लड़का सिर्फ आपके लिए इंस्पिरेशन है, वो लड़का मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि उसने 2 महीने में वो चमत्कार कर दिया, शायद जो हम स्ट्रैटेजी बता बता के थक जाते हैं बट बच्चे नहीं कर पाते, उसने वो कर दिखाया। मेरे बच्चों, आज माना मैं आपके टेस्ट सॉल्विंग से पहले 5-10 मिनट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा आज जरूरत है बच्चों को मोटिवेशन की, क्योंकि 21 लाख एप्लीकेंट्स अभी बड़ा चढ़ा के सब बताने वाले हैं आपको। मैं वही बड़ा चढ़ाने की जगह आपको रियलिटी बता रही हूँ कि टुडे इज योर डे। आज 68% बच्चे मेरे वहां पे पोल में आंसर दे रहे कि दे आर अफ्रेड ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट पेपर। कैसे करेंगे फिर हम नीट का सामना? यस, शेरनी का मुकाबला करोगे तभी तो बब्बर शेर के पास पहुंचोगे ना, क्योंकि शेरनी आती है पहले प्रोटेक्शन के लिए, अगर शेरनी को घायल कर दिया तो बब्बर शेर आएगा, बब्बर शेर हमारा नीट का एग्जाम। बस वन बाय वन हर एक चैलेंज को धाराशाही करते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर तुमने मॉक टेस्ट संडे से नहीं दिए तो मैं सच बता रही हूं, शेरनी ही तुम्हारा काम कर जाएगी, बब्बर शेर तक तो तुम पहुंचने के ही नहीं। Yes. और उस दिन जो तुम्हारे हाथ कांपेंगे ना बायो के क्वेश्चन पेपर देखकर ऐसे, इस साल पता है 50% बच्चे कांप गए थे। अब आप पूछो क्यों, क्यों ऐसा हो गया था पेपर में? वो इसलिए हो गया था बच्चों क्योंकि पेपर लेंदी था, और जहां पेपर लेंदी आते हैं 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, और जहां आप नर्वस होते हो बस सही आंसर भी गलत होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो बच्चों, माना कि थोड़ा सा डर जरूरी है भाई, थोड़ा सा डर जरूरी है हमेशा। मैं कभी आप लोगों को ये वाला ज्ञान कम ही बांटती हूँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं, बट आज काफी वह सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं भाई, रोते हुए मैसेज आए हैं, तब मुझे लगा नहीं, यू नीड दिस, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आंसर्स की बाढ़ आ जानी चाहिए मेरे चैट बॉक्स में, किसकी बाढ़ आ जानी चाहिए? आंसर्स की, ठीक है? और फुल जोश के साथ, क्योंकि अपन रुकने नहीं वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सॉल्यूशंस भी हैं इसके, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी हैं, ठीक है?
अब आगे चलते बायो के पेपर सॉल्यूशन पे। दुबा है तू ही दिन है मेरा। ओहो, ये गाना तो हम भरे मोहल्ले में नहीं सुन सकते। चले भाई, बॉटल से शुरू करें। सेक्शन ए, सेक्शन बी में वही 15 सवाल रहेंगे, उसमें से आपको 10 सेलेक्ट करने हैं, बट यहाँ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। हाँ चले चले चलो। इन एन एम्ब्रियो सैक एट द माइक्रोपाइलर एंड टू पेरिफेरल सेल्स डेवलप इनटू। तो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे दो सेल डेवलप कर रहे हैं, हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। एंड द थर्ड सेल डिफरेंशिएट इनटू एग। तो यानी कि दो तो हमारे सिनर्जिड्स होंगे और एक हमारा क्या होगा, एग सेल होगा, ठीक है। जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ हासिल नहीं होने वाला जिंदगी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। आइडेंटिफाई द फीचर्स व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइकेंस। लाइकेंस आर सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजी, राइट मेरे बच्चों। अब देखते हैं कि कौन सी चीज नहीं है। स्लो ग्रोइंग एनुअल प्लांट्स, ये प्लांट्स होंगे, ये प्लांट्स तो नहीं होंगे, तो क्रॉस लगा दो। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां तक मुझे पता है ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। चलिए, लाइकन्स अबेंडेंटली ग्रो ऑन ट्री बार्क, मॉसेस, रॉक, रूफ्स, लीव्स एंड ऑल्सो ऑन द लाइकन्स। सही है, हर जगह ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, बस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। दिल्ली में कहीं नहीं दिखते। लाइकन्स आर इंपॉर्टेंट एज अर्ली स्टेज प्राइमरी सक्सेशन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी सक्सेशन के लिए लाइकन से स्टार्ट करते हैं। फंजी प्रोवाइड मॉइस्चर एंड हैबिटेट, बिल्कुल सही है। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, 102 के ऑप्शंस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ है बच्चों, या करेक्ट पूछ है, आर नॉट एप्लीकेबल, इनकरेक्ट पूछ है। तो अगर इनकरेक्ट की बात करें, ए एंड बी जो ऑप्शन है वो हमारे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए आइए, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्मड एज एन इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। जब हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कौन सी साइकिल की बात करते हैं, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। मैम आंसर नहीं दिखाओ, मैंने ना बोला था ना अकेडमी को कि आंसर के बिना वाली मेरे को पीडीएफ दे दो, उन्होंने दी नहीं। मुझे पता है मेरा बच्चा क्या चाहता है, माने ही नहीं। आंसर देखेंगे, मैंने कहा झंड बना दिया तुमने मेरा सेशन। मैंने उनसे बोला था, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब नेक्स्ट जब मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगी ना, मैं खुद ही हाइड कर करके ऐसे खुरच खुरच के लाऊंगी, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे C2 साइकिल ही होती है। C2 साइकिल डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में होती है, किस पे होती है ये साइकिल, हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। ये एक ऐसी साइकिल है जो कि वेस्टफुल साइकिल है। कैसी साइकिल है, वेस्टफुल, यानी कि इसका कोई काम धाम नहीं है, ठीक है, वेस्टफुल साइकिल है। इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो C2 कंपाउंड बनता है, इसलिए इसे C2 साइकिल कहते हैं। और जो पहला कंपाउंड है वो कौन सा बनता है, ग्लाइकोलेट। कौन सा बनता है बच्चों, ग्लाइकोलेट। तो सिंस यहाँ पे ग्लाइकोलेट बन रहा है तो ई हो गया पहला तो हमारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब ग्लाइकोलेट के बाद ग्लाइऑक्सीलेट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ग्लाइऑक्सीलेट। इसलिए बी आंसर हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर टू मेरा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। चलिए, अ हाइड्रोफाइड वाटर हाइसिंथ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन वाटर टू रिड्यूस पोल्यूशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर हाइसिंथ को हम बाहर से लेकर आए थे ब्यूटीफाई करने के लिए, बट वो इतना इन्वेसिव हो गया कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो इस केस में क्या होता है, जो उसका नेचुरल प्रीडेटर है वो एब्सेंट होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हो, चलिए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सही बात है, फॉरेस्ट भी धरती पे होता है, ग्रासलैंड भी धरती पे होता है, डेजर्ट भी धरती पे होता है। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एशरीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थ्री बनेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा इसमें, है भाई, कोई डाउट तो नहीं हो रहा इस इक्वेशन में। चलो आ जाओ नेक्स्ट, एल्गल ब्लूम्स आर फॉर्म बाय फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ठीक है। एल्गल ब्लूम अकर्स ड्यू टू फर्टिलाइजर रन ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं इसलिए होता है। या ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम अंडर वाटर प्लांट्स, ये भी बात सही है, जिसके कारण मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज होती है। तो ये एल्गल ब्लूम बनते क्यों है, क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इट ब्लॉक्स द सनलाइट, सनलाइट अंदर नहीं जा पाती, जिसके कारण फिशेस की मोर्टैलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे,
मैच द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आपको बात पता ही है. बेजल की अगर बात करें, बेजल एग्जाम मार्जिनल तो पी है, सी का वन, ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट, बेजल इज सनफ्लावर, ठीक है. यस बेबी को बेस पसंद है, ठीक है. यस बेबी को बेस पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि यहां से हम एक तो आंसर निकाल सकते हैं. अगर आपको बाकी नहीं आते, कुछ कुछ फेमस वाले भी आते हैं, तो भी आपके आंसर आराम से निकल जाएंगे, ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों. एट अ पर्टिकुलर लोकस ए एलील इज 0.4. ए एलील कितना है, ए कितना है बच्चों, ए लेट से पी ले लेते हैं 0.4, तो जो हमारा Q है वो 0.6 है. What would be the frequency of heterozygous in a randomly mating population at equilibrium? ठीक है, heterozygous है ना, तो 2PQ हो जाएगा, तो 2 into 0.6 into 0.4, तो 2448, 0.48 will be our answer. समझ में आया मैम ने कैसे निकाला है आंसर बच्चों? सबको क्लियर हुआ? How I got this answer? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Now, match the following concerning essential element and their function plant. ये वाला question हर साल नीट में आता है, ठीक है. चलिए आइए देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर. चलो आयरन, आयरन की अगर बात करें, अच्छा पॉलन जर्मिनेशन, वॉट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, पॉलन जर्मिनेशन यानी ये तो बोरोन हो जाएगा, ठीक है. जिंक ऑक्सीजन, कैसे याद कराया मैम ने, जिंक ऑक्सीजन यानी कि जिंक IAA synthesis. मैंगनीज इज फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड क्लोरोफिल के लिए वैसे तो मेजरली मैग्नीशियम चाहिए होता है, बट कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आयरन कर देंगे, ठीक है. तो यानी कि इसका मैच ऑफ फॉलोइंग करते हैं, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 एंड डी का हो गया 1. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया. लेट्स चेक द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 एब्सोल्युटली राइट. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. स्ट्रक्चरल जीन्स कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, वो भी स्पेसिफिक, ठीक है. द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, क्या है, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है. बेटा मेरी आवाज धीरे क्यों आ रही है भाई, और कितनी तेज करने का, इसका आउटपुट ही चेंज करती हूँ मैं, रुको एक सेकेंड, लेट मी चेंज द आउटपुट. अभी मजे मजे मत लो, सही सही बताओ आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं चेंज करूंगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा ग्लिच हो जाए. यस मैं पहली बता रही हूं, मजे मत लेना. ऑपरेटर जीन्स कंटेन द कोड नेसेसरी टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द डीएनए मैसेज फॉर वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स इनटू एमआरएनए. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सारी स्टेटमेंट ट्रू है, सारी ट्रू है भाई, सारी सही है ना वॉइस, ठीक है. चलो सारी ट्रू है, एबीसी लगा देते हैं. चलो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक. ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बींग हाईली सिलेक्टिव, यस. बींग लाइबल टू सैचुरेशन, यस, क्योंकि जितने ट्रांसपोर्टर होंगे उतना ही होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है. रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्डिंग टू इनिबिटर, यस, अगर इनिबिटर आ गए तो ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है. बींग रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स, ठीक है. तो हो गया आंसर ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट आइए चलिए इसको मैच करते हैं बच्चों. साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ऑक्सिन, एबीए, क्या क्या किसका फंक्शन है? अगर मुझे हेज मेकिंग करना है तो व्हाट विल आई यूज, ऑक्सिन. ओके नेक्स्ट, रूट फॉर्मेशन साइटोकाइनिन, शेल्फ लाइफ जिबरलिंस, विदस्टैंडिंग डेसिकेशन एबीए. राइट मैच किया है नहीं किया है, एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. यस राइट मैच है या नहीं एवरीवन. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर निकाल लेंगे, ये रहा इसका आंसर, ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 113. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी. एल्गी में सेंट्रियोल होता है या नहीं होता, पहले तो ये बताओ चैट बॉक्स में, एल्गी में सेंट्रियोल होता है या नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में. यस एल्गी इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल है, मतलब कि सेंट्रियोल हो सकता है, बट प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल
नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। एल्गी के पास होता है सेंट्रियोल। सिस्टर्ने ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स रिसेम्बल विद सिस्टर्ने ऑफ SER। ओके, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। बिल्कुल सेल चैप्टर की लाइन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो यहाँ पे आज हमने एक नई चीज सीखी कि भाई एल्गी के पास सेंट्रियोल होता है। ठीक है, यस, क्या सीखा हमने? सेंट्रियोल होता है, ये नई चीज सीखी आज हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। मैच द फॉलोइंग, ER, स्फेरोसोम, डिक्टियोसोम, पेरोक्सिसोम, इलायोप्लास्ट। अब इनका मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए सब करेंगे मैच द फॉलोइंग और फिर देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स कर सकते हैं। ठीक है, डिक्टियोसोम्स आर गॉल्जी। ठीक है, स्टैक ऑफ सिस्टर्न इन प्लांट्स, डिक्टियोसोम्स। पेरोक्सिसोम्स ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, एंड स्फेरोसोम सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। क्या लगता है यह आंसर होगा? क्या लगता है बच्चों? एक बार इसके ऑप्शंस देखते हैं जो कंफर्म है। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल ऑफ फैट्स, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। ई का ऑप्शन नंबर टू, ई का ऑप्शन टू। ठीक है, एंड डिक्टियोसोम स्टैक ऑफ सिस्टर्न इन प्लांट, सी का वन। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, डी का फोर है। ये क्या हो रहा है भाई? इसके बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ। इलायोप्लास्ट के बारे में, ऑयल एंड फैट्स, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या बच्चों? है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ गड़बड़ है क्या? चेतना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें भी लग रही है क्या बच्चों? यार क्योंकि देखो इलायोप्लास्ट के बारे में हम बिल्कुल श्योर है, सबसे इजी वही है और इलायोप्लास्ट के हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर बन रहा है। मुझे लगता है कि बोनस मिल जाना चाहिए। ले लो प्लस फोर, ले लो प्लस फोर सबके सब। ठीक है, यस, ले लो प्लस फोर। आते नेक्स्ट में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिला। भाई मिडल लेमिला कैल्शियम बनाता है, बात खत्म। ठीक है, नीडेड इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, कैल्शियम बनाता है। ठीक है, इमोबाइल एलिमेंट, काका बूढ़े हैं। ठीक है, कैल्शियम। रिजल्ट इन नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिश्यू, कैल्शियम। आंसर है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट लिमिटिंग फैक्टर, लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय डैश रिस्पेक्टिवली। लाइट लिमिटिंग फैक्टर एंड लाइट सैचुरेशन पॉइंट, लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? ए वाला। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, यानी कि फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लाइट पे डिपेंडेंट है, तो लिमिटिंग हो गया। ठीक है, सैचुरेशन इज सी, ए एंड सी विल बी माय आंसर। क्योंकि भाई इससे ज्यादा अगर लाइट दोगे तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जितना भी आपका वो है सब बर्स्ट हो जाएगा, सब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरेटिनॉइड्स एंड, तो फिर सब ठुम 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 करके खत्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, आ जाओ। ये क्या है? ये हमारा है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है ए बी सी। चलो ये हमारी डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस कौन सी होती है? एग्जाइन है, इंटाइन, स्पोरोपोलन इनसे बनी होती है। योगे हमारी एग्जाइन, योगे हमारी एग्जाइन। अच्छा, ए को जंप पोर दे देते हैं फिर, एक सेकेंड। चलो एग्जाइन जंप पोर, ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। बी हमारा बड़का सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वो भी इसने नहीं दिया है, तो इंटाइन ले लेते हैं इंटाइन ले लेते हैं। सी को वेजिटेटिव सेल ले लेते हैं। आंसर फोर है। हाँ भाई, चलो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई बट हो गया। ठीक है, यस, चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। HNRNA, जो हमारा HNRNA हेट्रोजीनस RNA अंडरगो टू एडिशनल प्रोसेसिंग। क्यों जाता है? क्योंकि HNRNA को कहाँ जाना है? साइटोप्लाज्म में। और जब HNRNA साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां पे क्या होता है?
हाँ गुंडों में फंस गई, यानी कि अगर आरएनए को आपने सजाया नहीं दोनों एंड से तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसे बचाने के लिए हमें कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3 प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन इन अ टेम्पलेट इन एन डिपेंडेंट मैनर, दिस इज नोन एज टेलिंग। इस प्रोसेस को तो टेलिंग कहते हैं। इतना सस्ता सवाल है, इतना सस्ता सवाल। यस चलो मैम, साइट रीओपन करने के लिए वीडियो आप कब बनाओगे? अबे ओपन भी तो होनी चाहिए। मैं मेरे से कह रहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करने की वीडियो कब बनाओगे? अबे गधे, ओपन भी तो होनी चाहिए, तब तो वीडियो बनाऊंगी। वीडियो को मतलब अगर एनटीए ने नहीं ओपन की, भाई ये सही है, कब वीडियो बनाओ? करेक्शन विंडो की तो बना दी थी यार। मैंगो इज सिमिलर टू कोकोनट इन दोनों के दोनों ड्रूप्स है, ये तो सबको पता ही है। बीइंग अ कॉम्पोजिट फ्रूट हैविंग अ फ्लेशी एडिबल मीजोकार्प, बीइंग पार्थिनो कार्पिक इन नेचर हैविंग स्टोनी एंडोकार्प। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 और 4 है। एक तो मेरी मॉर्फो ना भाई, वो बीच का वो फ्लैशी फ्लैशी पार्ट नहीं खाते होते हैं, मैं पता नहीं। फ्लैशी एंडो का, स्टोनी एंडो का, मुझे मैं तो मीजो का आप इसलिए क्योंकि बीच में जो आम का वो रसीला होता है ना, आ खा लूं तुझे, इसलिए मैंने आंसर दे दिया। आई थिंक मैं भावनाओं में बह गई, सॉरी बच्चों, सॉरी। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस 280 सीड्स वर ऑब्टेन इन जनरेशन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीड्स विच जीनोटिपिकली रिसेंबल जनरेशन। अच्छा, एक बात बताओ, जो हमारा रेशो होता है जीनोटिपिक रेशो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? क्या होता है? 1:2:1, यही होता है F2 का? ये होता है या नहीं होता है? सब पहले मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। ये वाला कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही होता है। तो अगर मेरे पास 280 सीड्स हैं, 280 सीड्स है टोटल, तो उसमें से हाफ ऑफ द सीड्स विल बी हेटरोजाइगस। हाफ ऑफ द सीड्स क्या होंगे? हेटरोजाइगस, यानी हाफ ऑफ द सीड्स विल हैव द सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो 280 का हाफ कितना हो गया बच्चों? 140, यानी 140 सीड्स ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप क्या होगा? हेटरोजाइगस इन नेचर। ठीक है बच्चों, यस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या है? पॉलीप्लॉइडी वो कंडीशन है जिसके अंदर 2n+n है। क्या है? 2n+n, यानी कि देयर इज अ एडिशन ऑफ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, अ कंडीशन इन व्हिच नॉर्मली डिप्लॉइड सेल ऑर्गेनिज्म एक्वायर वन और मोर एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ट्रू। रिजल्टेड ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ओके। रिजल्टेड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्मेशन, अच्छा। मोर कॉमन इन एनिमल्स, भाई देखो एनसीईआरटी कहती है पी माने प्लॉइडी, पी माने प्लांट। मेरे को बाकी चीजें तो पता नहीं थी, बट मुझे ये चीज कंफर्म थी एनसीईआरटी के, भाई पॉलीप्लॉइड इज मोर कॉमन इन प्लांट्स, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी एनिमल्स में ज्यादा होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब हो गया, बट यहाँ पे आपकी ये वाली रहेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तुक्का कैसे लगा उसका वीडियो बना दो, तुम्हें झपाट कैसे मारे इसका वीडियो बना दो। चलो आ जाओ, Which of the following statement is correct? इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सुक्रोज इज अ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज नहीं होता। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ऐसा तो कभी नहीं होता। अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑल्सो रेस्पायर्ड बट दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट वेरी फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल सही है, ये बीच में से आते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के उससे आते हैं। फैट्स डायरेक्टली एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, गलत, इन्हें भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 फॉर मी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब हैव सी प्लेट्स, बिल्कुल सही बात है, सी प्लेट्स होती है सीव ट्यूब के एंड्स में। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल्स हैविंग न्यूक्लियस व्हिच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, बीवी नंबर वन, आहा बीवी नंबर वन। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइम इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो गया 121 में।
अच्छा ट्रू पूछा था, मैंने इसका आंसर फॉल्स में दे दिया। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा इसका, मैंने इसका फॉल्स में आंसर दे दिया। एक्चुअली ना क्वेश्चन पढ़ने में मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, मैं आंसर छुपाने के चक्कर में ना ये सब कर रही हूँ और वहां पे मेरी प्रॉब्लम हो जा रही है थोड़ी सी। मुझे भी पूरा क्वेश्चन ऐसे ऐसे होना होगा ना क्वेश्चन, तो मेरे से अच्छे से रीड होगा ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब इसका आंसर आ गया ना फोर्थ ऑप्शन, थोड़ी सी ये मेरे लिए दिक्कत। नेक्स्ट टाइम ना मैं स्लाइड्स बनवाऊंगी इसकी, ऐसे नहीं पीडीएफ की फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे, इसकी स्लाइड्स बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 गिव्स 4 × 3, 12 ATP आ गया। क्या आंसर आ गया? 12 ATP। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पता है यीस्ट करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम इज यूज्ड टू फर्मेंट द चीज, ट्रू नॉट पूछा है ना। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ट्रू। फर्मेंटेशन इन मसल प्रोड्यूसेस इथेनॉल, मसल के अंदर इथेनॉल, वाह दारूली मसल्स हो गई है। टॉडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप ऑफ पाम्स, बिल्कुल सही है। अब मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगी, वो छुपाने के चक्कर में ऐसे की तैसी हो रही है। ए बी सी क्या है? ये हेट्रोफिली के एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वाला टेरेस्ट्रियल है, सी वाला हमारा पानी है, ये मेरे को पक्का यकीन है, टेरेस्ट्रियल और पानी, बीच वाला जुवेनाइल, ये हो गया आंसर। बिल्कुल एनसीईआरटी का ये डायग्राम, हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी बताई गई है इसमें, लार्ज स्पोर बटर कॉप कोरिएंडर कॉटन की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉमन क्रॉप, ठीक है। पूसा स्वर्णिम कॉलीफ्लावर, कोमल इज काउपी, आज ही सुबह बताया था, हीमगिरी इज वीट, गौरव इज ब्रासिका, आज सुबह ही बताया था, कोमल कोमल कैसे भाई याद कराया था, काउमल, ठीक है। अब ना कभी किसी कोमल नाम की लड़की को बोल मत देना काउमल, अब बहुत पिटोगे यार, बहुत पिटोगे, ठीक है। अ सेल इन जी1 ऑफ इंटरफेस हैज 10 क्रोमोसोम, जो जी1 है याद रखो उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 10। हाउ मेनी क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स विल बी फाउंड पर सेल व्हेन दिस ओरिजिनल सेल प्रोग्रेस टू जी2। बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स या नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, ये होता है। तो सबसे पहले तो 10 वाला ऑप्शन ले लो, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, अगर 10 क्रोमोसोम थे तो अभी भी 10 क्रोमोसोम रहेंगे, बट होगा क्या, इन सबकी बहनें आ जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 129, सीफ ट्यूब और सीफ सेल इज लिविंग बट इन्यूक्लिएटेड, ट्रू, क्योंकि इनके साथ बीवी नंबर वन चल रहा है, एक न्यूक्लियस है कंपेनियन सेल का जो इसे भी कंट्रोल करेगा। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल, ट्रू। फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट एंड फ्लोएम एलिमेंट आर कॉल्ड मेटाजाइलम, तो फिर प्रोटोजाइलम क्या है, तो फिर प्रोटोजाइलम क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम, अच्छा आर रॉन्ग, ये वाली और ये वाली दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम में मिलेंगे ज्यादा फाइबर्स, ठीक है, वो डेड पार्ट होता है जो बार्क बनाता है डाइकॉट्स के केस में, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, कौन कौन से फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यस, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन यस, टेम्परेचर यस, प्रेशर यस, साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मटीरियल यस, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये तो जुआलॉजी का क्वेश्चन होना चाहिए था ना कि बॉटनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली डैश पोजेसेस अ वेलवेट एस्टिवेशन इन कैलिक्स, वेलवेट वैक्सिंग, बेगम वैक्सिंग कराती है, कौन सी बेगम वैक्सिंग कराती है जरा बताना चैट बॉक्स में आंसर, कौन सी बेगम, यस एंड दैट बिलोंग्स टू व्हाट, फेबिएशी, ठीक है। द फैमिली डैश मेंटेन्स कॉटिलेडनस प्लांट्स, लिलिएशी, ये ऐसे ट्रिक्स हैं। इन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज अ डैश व्हिच इज डैश इनटू ट्रू रूट्स लीव्स एंड स्टेम्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस सब्सटेंसेस इज डन बाय SER, तो यानी कि जो ऊपर हमने मैच द फॉलोइंग किया था वो बिल्कुल सही किया था, ठीक है। स्टडी
The following statement, select the correct ones. Herbarium is a storehouse of collected plant species, specimens that are dried, present, preserved on sheets. True. Flora provides the index to the plant species found in a particular area. Monographs contain information of only one taxon. Mono means single. और ये है वन. आगे आंसर मोनो मोनो सिंगल. ठीक है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना. ये सिंगल की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? सिंगल की. नेक्स्ट, सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. ब्लैकमैन ने दिया था ये. दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट बायोकेमिकल चेंजेस. ट्रू फॉल्स बताना है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ट्रू. इफ अ केमिकल प्रोसेस is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to minimum value. बिल्कुल NCERT की लाइन है बच्चों. एक शब्द ने चेंज कर दिया पूरा खेल. Minimum value. This law is given by Blackman in 1905. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ खेल खेला गया है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. यहाँ पे सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन में से 10 अटेम्प्ट करने हैं बस. हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स आर फाउंड इन दिस एंड दिस. क्रॉस करेंगे इसको, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास पहली जनरेशन में कुछ इस तरीके से आएगा. हेट्रोजाइगस 2 की पावर n, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस. n क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस. ठीक है, अब n नंबर ऑफ हेट्रो, कितने हेट्रोजाइगस में हमने वहां पे बनाए? 2 की पावर 3, यानी कि 2 to the 4, 4 to the 8. आंसर हो गया ये वाला. सॉल्व कैसे किया सबको समझ में आया? पुष्पांजलि, चारू, मेरा बच्चा तनु, ऋषभ. समझ में आया सबको? चले नेक्स्ट. बैक्टीरिया एंड फंजी आर माइक्रो कंज्यूमर्स. माइक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है. बैक्टीरिया एंड फंजी शोज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है. बिकॉज क्यों ये माइक्रो कंज्यूमर्स हैं? क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए. भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर वन होना चाहिए? अरे आंसर की देख के मत दिया करो आंसर. आंसर की भी कई बार गलत हो जाती है. अपना दिमाग यूज करके आंसर देना चाहिए. क्यों वो माइक्रो कंज्यूमर है भाई? क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए. और वो किसी और के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है. क्या कर रहा है वो? एब्जॉर्प्शन. भाई मेरे को तो वन लग रहा है, टू वाला मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बिकॉज के बाद आंसर मेरा सही आ रहा है बिल्कुल. भाई मैं होती तो वन लगा के आती, चाहे मेरा माइनस वन हो, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से वन होना चाहिए. इट विल बी टू मैम. क्यों? या तो तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो क्यों, तो मैं मान लूंगी. यस, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस लास्ट ईयर and added and through reproduction 15 new added. Okay, taking current population to 35, the birth rate per year is, calculator ke paas ja rahi hu main. Sahi answer 0.75. ab dekho tumhe confuse karne ke liye 35 de diya. Tum nalayak kya karoge? 15/35 kar doge. I know you people. बट एनसीईआरटी ऐसी कहती है, अगर डेथ रेट यहाँ पे होती, मान लो 15 मर गए, 20 थे, तो 15/20 करना है. ये जो नई फिगर आई है ना, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल. ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो तुम. ज्यादा प्रेशर होगा तो ऑफकोर्स वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पोटेंशियल. दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक बड़ा होगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. यही तो मोह माया है जीवन की. ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल. सॉल्यूट पोटेंशियल बड़ा होगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा. वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा. सब मोह माया है, सबकी सब. ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं. साइनोबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया एज दे. जो साइनोबैक्टीरिया है वो डिफर करता है बैक्टीरिया से कैसे? Having heterocysts as specialized organ fixing cells,
एग्जिबिट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दोनों करते हैं वो तो. डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो दोनों का ही है. हैव सर्कुलर बाउंड रूरल, ये दोनों का. आंसर हो गया वन. ठीक है चले नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग फंक्शंस केयरफुली. इनिशिएशन ऑफ द कॉर्ड कैम्बियम, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट टू स्टोर फूड मटीरियल एज स्टार्च, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, इनिशिएशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय पेरिसाइकल ऑफ रूट. चलो भाई पेरिसाइकल ऑफ रूट क्या क्या कर रहा है? कॉर्ड कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ए एंड ई. ठीक है. टू स्टोर फूड मटीरियल एज स्टार्च, क्योंकि दीज सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स. कैसे सेल्स होते हैं पेरिसाइकल के? पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, तो उनका काम स्टोर सिक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस होता है. तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल आपको पता ही है, बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा एक नेक्सस चल रहा है. ऑर्गेनिक दाल खाएंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा. ठीक है चलिए. कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन. कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, भाई ये तो नहीं होगा. यूजेस ओनली नेचुरल प्रोड्यूस इनपुट एज रॉ मटेरियल, ये सही है. डज नॉट यूज पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, ये भी सही है. प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स, ये तो बायो फोर्टिफिकेशन है. बी एंड सी देखना, ये आंसर होगा. ठीक है. बायो देखो विटामिन एंड मिनरल्स करना है तो ये बायो फोर्टिफिकेशन है. नेक्स्ट. ओके. अदर डीएनए, अदर देन डीएनए पॉलीमरेज, विच आर एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए सिंथेसिस. चलो भाई टोपोआइसोमेरेज यस, हेलिकेज यस, आरएनए प्राइमेज यस, ऑल ऑफ दीज यस. आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइल्स को हटाता है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, उसे अलग कराता है दोनों स्ट्रैंड्स को, आरएनए प्राइमेज इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस बिफोर डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है. यस मैम, व्हाई बीटी कॉटन इज नॉट राइट? बिकॉज बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. ऑर्गेनिक में हम हर चीज देसी यूज कर रहे हैं, नो टेक्नोलॉजी. ऑर्गेनिक इज नो टेक्नोलॉजी. जैसे हमने क्या किया, हमने आज तरबूज खाया, तरबूज के हमने सीड निकाले और अपनी जमीन में गाड़ दिया और फिर हमने डेली उसे पानी दिया, उसके अंदर हमने खाद डाली, गोबर डाला और फिर उसे बड़ा किया. दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट टेक्नोलॉजी. आइडेंटिफाई द हेटरोस्पोरस फर्न. तो बेटा इसका आंसर है आपका ए बी सी, ये नहीं है. ठीक है, मेरे को ये चैप्टर कम आता है इसे बेटा मैंने आंसर देख लिया है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, नॉट सेइंग एनी झूठ. चलो, हेल्पिंग पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट. हेल्पिंग पिगमेंट्स मींस एक्सेसिव पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सब हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की. ठीक है. एक्सेसिव पिगमेंट हेल्प टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी बिल्कुल सही है. तो हाउ डू दे हेल्प? बिकॉज ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जो चीज है जो क्लोरोफिल ए को देने वाली है उसे वो दे देते हैं. तो इससे इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन बनेगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ दिखता हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, बस पीडीएफ लेते रहना, टेस्ट मत देना संडे को, क्योंकि संडे को टेस्ट देने से हमें अपनी प्रैक्टिस पता लगेगी, हमें अपने मार्क्स पता लगेंगे, फिर इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट सबसे तो नीट क्लियर हो जाएगा. और अगर नीट क्लियर कर हो गया तो फिर मैं यूट्यूब पे क्या करूंगा, बेशरम नालायक गधेड़े. संडे को पहुंच जाना अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो यहाँ पे. ठीक है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनरल अपटेक. मोस्ट मिनरल्स एंटर रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. ट्रू. एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स. ट्रू. सम आयन मूव इन टू एपिडर्मल सेल्स पैसिवली. ओके. लाइक वाटर ऑल मिनरल्स आर पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट्स. ऑल, ये जो शब्द ऑल है ना, ये बहुत धोखेबाज होता है. जैसे आई लव यू धोखा है, ऐसे ऑल भी एक धोखा है. ठीक है. एनीबडी सेइंग आई लव यू, आई लव यू. ठीक है. तो मन में से आवाज आ रही होती है, धोखेबाज है तू. तो बेटा ये ऑल, ओनली, ऑलवेज, नेवर, इन शब्दों को देखते थोड़ा सा ऐसे टिक जाए करो, क्योंकि ना यहाँ पे फिर सिली मिस्टेक्स होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. चलिए, ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस प्रोड्यूसेस बायफ्लाजिलेटेड जूस्पोर्स. ठीक है. आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज. ठीक है. तो यहाँ पे ई
ट्रूफल्स, ये तो आपको पता है शोमी जी खाते हैं, शोमी जी, क्योंकि नाम ले दिया तो आजकल केस हो जाता है भाई, शोमी जी खाते हैं, शोमी जी खाते हैं तो जवान रहते हैं, आप देख रहे हैं चेहरे पे ग्लो कितना हो गया है, वेरी कॉस्टली, 80,000 रुपए किलो शोमी जी, ठीक है। तो ये हो गया, देन वी हैव मोरेल्स, ये भी खाने वाले हैं, मशरूम्स तो लोग खाते ही हैं बिल्कुल पका पका के, मशरूम मटर मेथी मलाई, ठीक है, मशरूम सैंडविच, मशरूम टिक्का, मशरूम सब्जी, मशरूम प्लेटर, ठीक है, बहुत बड़ी सारी चीजें हैं वही। चलिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट अ रीजन ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। अगर ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम है और ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर, इस प्रोटीन का नाम क्या है, काइनेटोकोर, तो उससे अटैचमेंट में हेल्प होगा, ठीक है, यस। हाँ चलिए, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन ऑफ, देखो पबजी वाले में तो कौन से होते हैं, नॉन एल्बुमिनस, क्योंकि पबजी इंडिया में बैन हो गई है, मना हो गई है, मना का मतलब क्या है, नॉन एल्बुमिनस, इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पी, ये हो गया बीन, और ये हो गया ग्राउंड नट, तो इसको पबजी किसका एग्जाम्पल है, नॉन एल्बुमिनस का, क्यों, क्योंकि पबजी बैन हो गई है, अब नहीं चला सकते पबजी, ठीक है। तो पी एंड बीन्स ये तो एल्बुमिनस होते हैं, टेंडर है ये तो, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला हो गया। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है, ठीक है, यस। चलिए, कैसा था बॉटनी, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ जुआलॉजी, हाउ इज द पेपर, पानी पी लेते थोड़ा सा, बोल बोल के गला थक गया है, वीपीएन से चल रहा है पबजी, और फिर कहता है मैं नीट क्लियर क्यों नहीं हो रहा, इनको पबजी की तस्करी से फुर्सत मिले जीवन में तो ये नीट क्लियर करेंगे ना, यस। हाँ, पबजी की तस्करी भी तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नालायक। ड्यूरिंग एन इंजरी नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज, ये वाला, इट रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड, जो सेप्टम है वो किससे बना है, हाइलिन कार्टिलेज से, अगर वहीं पे नोज टिप बोल देता तो इलास्टिक कार्टिलेज हो जाती, नोज टिप अगर बोल देता तो इलास्टिक कार्टिलेज हो जाती, बट नेजल सेप्टम बोला तो हाइलिन कार्टिलेज है, याद रखना, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, मैं बच्चा नीड दे रहा है, ठीक है, एंड हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय एड्रेनलिन, मान लीजिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, जिस दिन आप वो कदम रखेंगे ना नीट के हॉल में, ठीक है, ठाना, ठीक है, यस, गली 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 लो चली जी और रे बाहुबली, ठीक है, जैसे आप कदम रखेंगे उस एग्जामिनेशन हॉल में तो सबसे पहले एड्रेनलिन ही निकलने वाला है, ठीक है, उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, बट फिर आप उसे काम डाउन करेंगे तो फिर जाके आप एग्जाम अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चों, यस। चलो, तो आंसर क्या है, एड्रेनलिन। चलो नेक्स्ट, पैपुलरी मसल्स आर फाउंड इन, पैपुलरी मसल दिल में मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, दिल में, क्योंकि दिल को ही अक्सर लोग पप्पू बना के चले जाते हैं, ठीक है। अब दिल की बात कर रहे हैं, कॉकरोच के दिल में नहीं है, आर्म्स में नहीं है, अब ऑरिकल्स तो छोटे होते हैं, उसमें तो क्या ही मसल की बात करेंगे, है ना, तो आंसर क्या बनेगा, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि दिल को पप्पू बना के चले जाते हैं सब, याद रखना, पप्पू मीन्स पैपुलरी मसल। द टीथ दैट अकर इन ह्यूमन बींग इज, एक्रोडोंट होता नहीं, मोनोफायडोंट होता नहीं, तो आंसर बन गया डायफायडोंट, हेट्रोडोंट एंड थीकोडोंट, क्योंकि अपन का टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट है, चार तरह के टीथ है अपने पास, ठीक है, और टू सेट ऑफ टीथ आते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स विल अलाउ नो मूवमेंट, जो यहाँ खोपड़ा में होता है, खोपड़ा में कौन सा ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, अगर फाइब्रस ज्वाइंट है तो मूवमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, वही अगर इंसान को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तब भी मूवमेंट नहीं होगी, तब उसकी उंगली ऐसी हो जाती है, ऐसे 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 रहती है, अगर उसे मान लो पानी की बॉटल भी पकड़नी है तो ऐसे 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 रहेगा हाथ, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है बॉडी की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट शुड बी फिट इन टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ट्रिप्सिनोजन पे कौन ठो काम करेगा कि ट्रिप्सिन बना देगा, एंट्रोकाइनेस काम करेगा, कहां से आता है एंट्रोकाइनेस, स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, फर्जी सवाल। चलिए नेक्स्ट,
द मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो ब्लैडर की मसल है तुम्हें क्या लगता है वो स्मूथ है, स्ट्राइटेड है, कार्डियक है, कैसी है? क्या लगता है तुम्हें? लगता होगा कि मेरी मर्जी से ये तो काम होता है, बट ऐसा नहीं है। एक सिग्नल शरीर से आता है, चल चल, ठीक है। फिर एक मर्जी तुमसे आती है, अरे चल, ठीक है। अंदर का सिस्टम इनवॉलेंट्री है, जब तुम्हारी मर्जी आती है तो सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुलता है, वरना बॉडी जब प्रेशर बढ़ जाता है ना तो कहती है अरे चल रे, तो चल काहे नहीं रहा है। तो यानी कि पूरा सिस्टम क्या, स्मूथ मसल से बना हुआ है। एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स जिसके पास स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, इसको हम कहते हैं डेट्रूसर मसल। कौन सी मसल कहते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज डेट्रूसर मसल, ठीक है। यस, अबे यार नाम मत लो, मेरे को पिटवाओगे क्या तुम लोग? नाम लिए जा रहे हो पप्पू के नाम पे, बहुत नालायक हो यार तुम लोग। द फैरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स बाय अ स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? स्लिट लाइक फैरिंग्स, लैरिंग्स में ओपन कर एक स्लिट लाइक, एक छोटा सा स्लिट है, वो ब्रोंकस है, एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है, ट्रेकिया, वो है ग्लॉटिस। क्योंकि फैरिंग्स के ये है ग्लॉटिस ओपनिंग, ये है हमारा ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया है, और यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको कवर कर लेता है जब आप खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगली बार दीदी डेट पे पूछेगी आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ, तो आप कह देना माई मैम ने बोला जी करने कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते, चुप चुपचाप खाना खा ले, ठीक है। बट बोल देना कोई कोई घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अब कॉलम वन एंड टू को मैच करना है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन फिफ्थ मंथ, तो पांचवा महीना फटाफट से ढूंढो। तो ए का हो गया टू। नाउ फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, ये कब होता है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक है। यस, तो एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो बी का हो गया फोर। एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, तो सी का हो गया वन, तो डी का हो गया थ्री। ये ऑप्शन ढूंढ लेना और आंसर टिक कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 29 डेज इन अ वुमेन, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल कॉजिंग एलएच सर्ज, व्हिच इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल देयर बाय कॉजिंग ओव्यूलेशन। Which of the following option correctly states the reason of LH surge? भाई LH बढ़ता क्यों है जिसके कारण ovulation हो रही है? क्योंकि इसे बुलाता है कौन? देवर की सानियों ने दुपट्टे वाली ओ, कौन बुलाएगा? Yes, हाँ, कौन बुलाएगा? Estrogen बुलाएगा LH को, तभी तो आगे का खेल खेला जाएगा मेरे बच्चों। चलो आओ देते हैं। Increase level of progesterone, ना जी ना। Increase level in FSH which ना 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 ना। हाँ, ये आ गया ना इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, बस, ठीक है। तो इसको बुलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तभी तो खेला खेला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एलएच को एस्ट्रोजन बुलाता है, फिर एलएच जाके ओव्यूलेशन कराता है, तब जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, तब जाके प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट इज प्रेफर्ड इन इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू अ वेरी लो स्पर्म काउंट। पता नहीं आजकल लो स्पर्म काउंट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सही रहा करो, हेल्दी खाया करो, थोड़ा घूमा फिरा करो नालायको। वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेशन ऑफ अ मेल, अगर देखो लो स्पर्म काउंट है 80 मिलियन तक पहुंच चुका है, 300 की जगह ओलिगोस्पर्मिया है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि सैंपल लेने पड़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और तब जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, ख्याल रखो। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन, डार्विन फिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन फाउंडर्स इफेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ चिड़िया नए आइलैंड पे जाके बसी, उन्होंने देखा यहाँ बहुत मच्छर है तो मच्छर खाने लगी, इसलिए वो इंसेक्टिवोरस बन गई, तो फाउंडर इफेक्ट हुआ, ठीक है। द ओरिजिनल एंसेस्टर ऑफ फिंचेस वर इंसेक्टिवोर, नहीं, सीड ईटिंग थी, एनसीईआरटी की लाइन है, सीड ईटिंग थी, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये हो गए सारे। चलिए नेक्स्ट आ रहे बच्चों 163। ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, ट्रू 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 ट्रू। नियांडरथल मैन हैड अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 क्रेनियल कैपेसिटी एंड लिव्ड नियर इथियोपिया टंजानिया बिटवीन दिस, ट्रू ट्रू ट्रू। क्या आएगा? सेंट्रल एशिया में मिल रहे थे ना ये, तो सेंट्रल एशिया में मिल रहे थे ना नियांडरथल। सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया यूरोप की साइड,
Australopithecus hunted with stone and essentially ate meat. False. मान लो कि चलो मुझे आ ही नहीं रहा है, अभी देखते हैं इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है थोड़ा सा हो जाता है ये. फॉल्स फॉल्स, एक सेकेंड, पहले का ट्रू है, दूसरे तीसरे का फॉल्स है. होमोहेबिलस, ये तो सेम हो गया, सारी कहानी इस वाले पे फंस गई. ऐसे भी हो जाता है लाइफ में. बट यहां से हमें याद आया कि सेंट्रल एशिया में थे हमारे नियंडरथल्स. चलो नेक्स्ट, ये कार्सिनोजन वाला क्वेश्चन गए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोइट? मोइट क्या, मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. इट इज यूज फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट. द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेजेस आर रिकवर्ड सर्जिकली. नॉन सर्जिकली लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है. मोइट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप एंड रैबिट्स. ट्रू, सारे के सारे मैमल्स हैं. इन दिस द एनिमल इज एडमिनिस्टर्ड विद हार्मोन एफएसएच लाइक एक्टिविटी. तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी कहते हैं नॉन सर्जिकली. अब आप सोचो, एक महिला गाय है, उस महिला गाय में यूट्रस से तुम क्या निकाल रहे हो नॉन सर्जिकली? जाइगोट, ये एम्ब्रियो. सोचो कैसे निकालोगे नॉन सर्जिकली, मतलब तुमने एक छुरी भी नहीं लगाई. आप सोचो और मुझे बताओ. सेंट्रल एशिया आ गया ना, ठीक है. चलो आ जाओ. आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक डैश एंड डैश मे कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक. आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग में यूवी हो गई. एक्सरेज, गामा रेज. एक्सरे गामा, एक्सरे गामा, ये गलत ये गलत. ओके, सेलुलर ऑन्कोजीन्स इन नॉर्मल सेल्स व्हेन डैश अंडर सर्टेन कंडीशन वुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. सेलुलर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेटेड, ये क्या बात हो गई भाई? एक सेकेंड, एक्टिवेटेड हो गया. हाँ ये एक्टिवेटेड हो गया. एक्टिवेट होंगे प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स, तब जाके कैंसर होएगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अ पर्सन विजिटेड अ डायग्नोस्टिक लैब टू गेट चेक फॉर एचआईवी इंफेक्शन, ठीक है. वन ऑफ द फ्लेबोटमिस्ट टुक, फ्लेबोटमिस्ट टुक हिज ब्लड सैंपल एंड गेव इट टू द लैब टेक्नीशियन हु प्रेफर्ड एलाइजर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी एंटीजन इन द सैंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम इन एलाइजा? आरएनएज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज. आंसर है भाई, ये सब नहीं यूज करेंगे. ये है इसका आंसर. ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट छाप दिया गया है, ठीक है बच्चों. सॉरी, सीधा छाप दिया गया. चलो, प्लूरोब्रेकिया क्या है? टीनोफोर है. बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा. ओबिलिया मेटाजेनेसिस शो करेगा. पाइला मस्कुलर फुट है. कारकेराडोइन प्लेकोइड स्केल्स है. अब मैच द फॉलोइंग करने ना आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट अबाउट सेल जंक्शंस. चलिए, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल, ठीक है. द सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैव टाइट जंक्शन व्हिच प्रिवेंट लीकेज ऑफ यूरिन अक्रॉस टिश्यू. यार सही तो लग रहा है सुनने में, लीकेज होना नहीं चाहिए. क्या हो गया, जिंदा नहीं हो गया चैट बॉक्स में? चलो बंद कर रहे हैं सेशन, जाओ घर, आराम से बैठो तुम, जाओ. एडेरिंग जंक्शन कनेक्ट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म गलत. गैप जंक्शन हेल्प इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स. इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा. एडेरिंग का काम होता है सीमेंटिंग का काम, चिपकाना दो, ठीक है. यस, घर पे ही है, बहुत बोलो तुम. An individual with blood group B can donate blood to individuals with blood group same antigen. B को दे सकता है, A B को भी दे सकता है, A को नहीं दे सकता. Only शब्द हमेशा धोखेबाज होता है. दगा बाज रे, हाय दगा बाज रे. मैम स्पीड कम है आज, तो कम तो होगी बेटा, इतना सब ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बार बार. The structural and functional unit of liver is hepatic lobule. ठीक है, तो शुरू के सेशन में ज्ञान भी तो दिया था 10-15 मिनट का, वो भी तो कंसिडर करो यार, सही स्पीड चल रही है. चलो आ जाओ. 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए का हो गया 4. 40 mmHg, डी का हो गया 1.
सी का हो गया 2, आंसर हो गया ये। और क्या, 10 days बायो, तुम वो छोड़ो, एक बहुत अमेजिंग सेशन अगले वीक के लिए प्लान हो रहा है, बहुत अमेजिंग, उस पर रिसर्च चल रही है, मुझे एक हफ्ता चाहिए उसकी पीपीटी बनाने के लिए। तुम आराम से करो वो एक सेशन, देखना जितने बच्चों के मार्क्स अटके हुए हैं ना, वन सेशन मेगा मैराथन। मैं उसके बारे में बताऊंगी नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या होता है, इसलिए चलो नेक्स्ट पे आ रहे हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट। ओके, कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन डू नॉट शॉर्टन। ट्रू, ए बैंड डिक्रीजेस इन साइज, फॉल्स, कॉन्स्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एच जोन डिसअपीयर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ट्रू, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर यूजुअली फाउंड ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, यूनिपोलर। Study the given diagrammatic representation of mechanism of hormone action. चलिए देखते हैं इधर। Hormone is A. सीधा DNA पे वार कर रहा है। जो DNA पे वार करता है वो हमेशा fat soluble होता है। तो ये water soluble है, water soluble है, water soluble है। तो आंसर होगा estrogen, क्योंकि ये सीधा DNA पे वार करेगा। किस पे करेगा? DNA पे। Yes. चलो। Select the mismatch among the following with respect to disorders. Addison. Under production of hormones by adrenal cortex, creatinism, hypothyroidism, acromegaly, excessive secretion of GH in adults, Graves' disease, hyperthyroidism. तो I think answer तो हम पहले ही निकाल चुके थे, ये रहा। Okay बेटा, again PYQ question, syphilis, treponema pallidum, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, शैंक्रोइड, गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे हीमोफिलस डुक्री आएगा, ये करेक्शन है बेटा, यहाँ पे हीमोफिलस डुक्री आएगा, ठीक है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, बट मैं आपको बता दू सैल्मोनेला उसका आंसर सही नहीं है, वैसे ही सही नहीं है। चलिए भाई आ जाइए, नेक्स्ट मैच जो फॉलोइंग करेंगे, डीएनए लाइगेज चिपकाने का काम करता है, लाइगेशन, ए का 2, ए का 2, ए का 2, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ये हो गया आंसर नंबर 3। चलिए नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनालॉजी। अगर सेलुलर बैरियर में नेचुरल किलर सेल है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है? फिजियोलॉजिकल सिक्रीशंस, जैसे कि टीयर्स, पुष्पा, आई हेट टीयर्स, पुष्पा, आई हेट टीयर्स, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द पॉपी, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग्स मैग, ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेटेक्स है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, तुम सब एक्सपर्ट हो इसमें। चलिए, व्हेन देयर इज अ मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, इसका आंसर है हिसारडील, एग्जाम्पल है हिसारडील, बी का मेरी यूज मरीनो रैम्स। चलो ये भी हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ बर्ड्स, कौन रिश्तेदार है भाई बर्ड्स का, लिविंग, लिविंग पूछ रहा है, पहली को सौर तो नहीं रहे, डायनासोर नहीं रहे, थेरैपसिड नहीं रहे, तो जो रहे वो कौन से, क्रोकोडाइल। तो हर क्रोकोडाइल को देखकर तुम्हें याद आना चाहिए कि ये चिड़िया के पूर्वज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ट्रू, ओरिजिन ऑफ लाइफ 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ट्रू, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स बैक, फॉल्स, डायनासोर अपीयर, ट्रू, ये थर्ड वाला होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दो आंसर बनते हुए यहाँ पे 200 था, क्या लगता है बच्चों, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी तो 2 लिखती है इसमें, एनसीईआरटी तो 2 बिलियन ईयर्स से लिखती है, हाँ हाँ डिसअपियर्ड होगा, ये तो मैं समझ गई, अपियर 200 मिलियन ईयर्स से गो था,
तभी मैं 1 मिनट से रुक गई। बट भाई एनसीईआरटी ने तो 3 बिलियन लिखा हुआ है ना, 3 बिलियन नहीं 2 बिलियन, दो तीन एक ही बात है। इस प्यारी बच्चे के लिए बजाइए सब तालियां, बजाइए सब। फर्स्ट लिविंग, अगर चलो नॉन सेलुलर भी है तो भी 4 आंसर जाएगा, ये 3 का क्या हिसाब है भाई? या तो 4 है या 2 है, या तो 4 है या फिर 2 है आंसर। आई पुट दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, क्योंकि या तो आंसर 4 देता है लाइफ आने का टाइम, या फिर सेलुलर फॉर्म के लिए 2 बिलियन ईयर्स है गो। तो ये वाला क्वेश्चन मैं डाउट में डाल रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद आंसर। द न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ टेस्टिस विच सिंथेसाइज सर्टेन फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। इसका तीसरा नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल। क्या नाम होता है इसका तीसरा? सस्टेंटिकुलर सेल। ठीक है, नेक्स्ट। नॉन मेडिकेटेड आईओडी, चीका मीका, लिपेज लूप, कॉपर आयन रिलीजिंग आईओडी, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टोसर्ट LMG20, नॉन स्टेरॉइडल, डेवलप बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH हार्मोन्स रिमेन इनहिबिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेनली ड्यू टू, क्यों FSH और LH अपना रंग नहीं दिखाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होते हैं और ये दोनों इनको निकलने नहीं देते हैं, इसलिए देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सेक्शन बी पे आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट। इसमें से 15 क्वेश्चन में से आपने 10 अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट मत बनना पेपर वाले दिन, 10 ही करके आना, क्योंकि अगर जो पहले 10 होंगे ना फिर उसको कंसिडर हो जाएगा, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने ही स्मार्ट बनने हैं। ठीक है, चले। इन ह्यूमन फीमेल्स ओटिट इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एट प्यूबर्टी, आफ्टर कंप्लीशन, नहीं, आफ्टर मेनार्क, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जायगोट बनता है, ना कि ओटिड। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एग्जिबिट ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबल थोड़ी होता है वरना पूरी बॉडी झटका मारेगी। ठीक है, हेपेटिक सी का जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है, मालफीजन ट्यूब्यूल मिडगट हाइंडगट, ठीक है, मशरूम शेप ग्लैंड, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, स्पर्मेटिका 6 एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल, फीमेल होगा स्पर्मेटिका, फीमेल का पार्ट है, नाम से ऐसा लग रहा है कि मेल में होगा बट फीमेल का पार्ट है। ठीक है, यस। एनसीईआरटी में हम 3 बिलियन का नॉन सेलुलर फॉर्म है, मैं एक बार देख लेती हूँ एनसीईआरटी। Now complete the analogy and choose the correct option. Ascal minthes को अगर round worms कहते हैं तो platy minthes को चिपटा कृमि कहते हैं, flat worms कहते हैं, very simple. Which of the following organism possesses incomplete digestive system? जिसके पास blind side body plan है, ठीक है? इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं digestion, ठीक है? इसके पास complete है, इसके पास भी complete है, answer 2 होगा fasciola hepatica. टीनिया सोलियम के पास तो है ही नहीं, बाकी दोनों के पास कंप्लीट है, 2 ओपनिंग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज, मैग्नीशियम इज अ को फैक्टर फॉर दिस एंजाइम, जिंक होता है जिंक, इट्स को फैक्टर फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली विद द सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, इट्स ऑर्गेनिक को फैक्टर फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट, नहीं, विद द साइड चेंज ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं अब हम, 192 क्वेश्चन, बस जल्दी से होने वाला है खत्म, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, जिसके अंदर 15 मिनट ज्ञान भी था शुरू का, यस। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, लाइक पेसेस आर सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म एंड प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस ओनली, न्यूक्लियसेस आर प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस, गलत, पेनक्रियाटिक जूस में होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट स्टमक आर मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ओके करेक्ट। एफिनिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन,
क्योंकि बच्चे का हीमोग्लोबिन भूखा बैठा हुआ है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व फॉर एचबीएफ शोज शिफ्ट टू राइट एज कंपेयर टू दैट ऑफ एचबीएफ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व फॉर एचबीएफ शोज शिफ्ट टू राइट एज कंपेयर टू, ठीक है। इन एम्फाइसीमा एल्वियोलर वॉल्स रप्चर टू डिक्रीज सर्फेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज लीडिंग टू डिक्रीज इन द रेसिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। लेफ्ट ओवर निमोटैक्सिक सेंटर कैन डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आंसर है ए, मेरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। यस बेटा शिल्पा, देन व्हाई आर यू हियर? शिल्पा कह रही है कि मैम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है। बट शिल्पा सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरे चैट बॉक्स में आके बात बता रही है, मतलब कि वो वहां नहीं है, वहां पे क्लास चल रही है उसकी। बट शिल्पा स्पेशली मुझे ये बताने के लिए आई है। शिल्पा बेटा थैंक यू सो मच, आई नो योर क्लास मस्ट बी सुपर इंटरेस्टिंग देयर। आप वहां की क्लास छोड़ के आई है, मैं बताऊँ कौन से टॉपिक की क्लास चल रही होगी, मैं अभी देख के बता देती हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी देख के बता देती हूँ। देखो अभी आपकी क्लास शुरू होने वाली है, बस वहां आप जाइए पढ़िए, ठीक है बेटा। सुबह से काफी क्लासेस हुई है, ये बताने के लिए आपको स्पेशली आना पड़ा, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की होगी इस चीज पे। नेफ्रॉन का पार्ट है बट नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल। टिब्यूल का पार्ट है, ये भी टिब्यूल है, ये भी टिब्यूल है, तो आंसर हो गया ग्लोमेरुलस, क्योंकि माल्फिजन कॉर्पसल का पार्ट है, ठीक है। यस बेटा सी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर ऑन यूट्यूब। आई हैव बीन टीचिंग लाइक दिस इज माई फोर्थ ईयर एंड वैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यू आर इन द रॉन्ग चैट बॉक्स एंड आई एम वेरी फेमस फॉर यू नो ब्लंटली आंसरिंग स्टूडेंट्स। तो आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आके यहाँ पे। यस यहाँ पे नहीं दाल गलती, स्पैमर्स की दाल यहाँ नहीं गलती है। या तो मैं उन्हें गायब कर देती हूँ या फिर अच्छे से जवाब दे देती हूँ। तो आओ पढ़ो, क्योंकि आपकी इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो भाई, कॉकरोच ओपन सर्कुलेशन होगा बी का वन, क्योंकि सारे आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेशन होता है। आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट। ये हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट है, सैडल जॉइंट हमारा जो है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में मिलता है, तो ये भी सिनोवियल है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला हो गया, कार्टिलेजनस। चलो बाकी शिल्पा तू नाराज है क्योंकि योर टीचर्स आर नॉट देयर, तो यू कैन गो टू अदर प्लेस ऑल्सो। यस यू कैन सपोर्ट एवरीवन एनीवन, ठीक है। यस, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन, ट्रू, ठीक है। द ईयर ऑप्टिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर, बिल्कुल सही है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव करते हैं, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, ठीक है। यस चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज व्हेन जीएफआर इज लेस देन नॉर्मल। जब जीएफआर कम है नॉर्मल से तो कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब जीएफआर कम होता है तब कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन निकलता है तब, एल्डोस्टेरोन निकलता है तब, ADH निकलता है तब, बट ANF नहीं निकलता, तो हम एलिमिनेशन ऑड वन आउट करके आंसर निकाल सकते हैं, कई बार काफी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। यस चलो क्या करूं, यस विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेस नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कटाई, ये होता है बैलेंसिंग के लिए पूरा का पूरा, इट इज कंप्लीटली फॉर बैलेंसिंग, आंसर नंबर 3 दे देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पायर मैटर इज द इनरमोस्ट ब्रेन मेनिंजेस प्रेजेंट क्लोज कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, ट्रू, इसके ऑप्शन तो और कोई नहीं है ना।
All parts of hind brain participate in formation of brain stem except cerebellum. Earth for eating and drinking, gastric secretion, gastro are controlled. Earth for eating and drinking. ये तो hypothalamus करता है. Emotional reaction under the control of limbic system along with hypothalamus. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, क्योंकि आधा जो काम है वो hypothalamus करता है, ना कि मेडुला. ठीक है, यस डन बच्चो. यस, तो ये था हमारा पूरा पेपर जो कि ए आई एम टी का था. ए आई एम टी ये धोनी के काम है, देख लो. ए आई एम टी हर संडे को होता है 2 से 5 बजे के बीच में. पीसीबी फुल सिलेबस इस तरह का पेपर रहता है. मैं फिर से ये पेपर डिस्कस कराऊंगी इसी दिन नेक्स्ट वीक. ठीक है, मैं सारे पेपर डिस्कस करूंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर पेपर करा देना और फिर उसका सोल्यूशन ना करा देना, आपको लगता है कि इट्स अ बेस्ट टेक्निक? नो, बच्चे को जब तक आप पेपर सोल्यूशन नहीं कराना शुरू करोगे तब तक वो समझेगा ही नहीं कि पेपर एनालिसिस क्या होता है. अगर आप मृणाल टॉपर की बात सुनोगे, मृणाल आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट टॉपर आई हैव सीन, तो वो हमेशा ये कहता है भाई पेपर से ज्यादा पेपर एनालिसिस पे टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपकी गलतियां वहां से पता लगती हैं. ठीक है, तो अब कुछ अलग करने का सोचो, क्योंकि हमें कुछ अलग करके दिखाना है. हमें सबकी तरह नहीं बनना, हमें भेड़ नहीं बनना है, हमें राजा बनना है, हमें बबर शेर बनना है. ठीक है, लाइफ में तो ये दो बेटा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है. जी स्क्वायर कोड आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर ए आई एम टी एग्जाम एवरी संडे. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ सच में. तो मेरे बच्चों, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि नो मेरे को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है, कि प्लीज मॉक टेस्ट पेपर दे दो. जो वहाँ 65% बच्चे कह रहे हैं ना कि हमें मॉक टेस्ट से डर लगता है, प्लीज इस डर को निकाल दो. अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास 3 से 4 एग्जाम बचे हैं. मैं सीरियसली कह रही हूँ बच्चा, प्लीज दो मॉक टेस्ट. सिर्फ क्लासेस कर लेने से यूट्यूब पे बात नहीं बनती है. क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिली मिस्टेक अवॉइड करना, ओएमआर भरना, दिस इज वन कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम. यस, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, टॉप कर रहे होते हैं, बट ओएमआर में गलतियां कर देते हैं. आपको हर चीज में एक्सपर्ट होना है. नीट का पेपर सिर्फ आपको आपके सिलेबस पे जज नहीं कर रहा है, वो आपकी सिली मिस्टेक पे जज कर रहा है, वो आपके टाइम मैनेजमेंट पे जज कर रहा है, वो आपकी स्पीड पे जज कर रहा है, आपकी एक्यूरेसी पे जज कर रहा है, आप कितने अलर्ट हैं उस पे जज कर रहा है, आप कितने पेशेंस रख सकते हैं 3 घंटे पेपर सॉल्व करने का उस पे जज कर रहा है, आपके डीमोटिवेशन पे जज कर रहा है, आपके मोटिवेशन पे जज कर रहा है. सो वन थिंग कैन नॉट गिव यू सिलेक्शन. You have to be perfect in everything. And this you can do by giving these test papers which are free. कुछ नहीं मांग रहे यार तुमसे. सिर्फ तुमसे कह रहे जाओ और जाके दे दो. That's it. ठीक है? Please बच्चों, please. Again asking you. कल से हम वापस अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे. कल मैं साउथ एक्स जा रही हूँ दिल्ली सेंटर पे. ठीक है, कल मैं अपनी मॉक टेस्ट की सुबह की क्लास करके जाऊंगी और अपनी शाम को आके क्लास लूंगी यूट्यूब की. इस बीच में मैं साउथ एक्स सेंटर पे आपको मिलूंगी. जो भी बच्चे दिल्ली की साउथ एक्स सेंटर पे आके मेरे से फेस टू फेस मिलके अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, चलिए मिलती हूँ बच्चों. हम साथ हैं और साथ मिलके फोड़ेंगे. जो गलतियां पिछले साल की उनसे सीखेंगे और इस बार नीट में सिलेक्शन ले करेंगे. मैम के घर आएंगे लड्डू लेकर, ठीक है, रसमलाई लेके. आई वॉन्ट टू सी यू ऑल. चलिए बाय बच्चों, टेक केयर. दिस इज योर जी स्क्वायर साइनिंग ऑफ. एनरोल कर लेना, बस एक क्लिक करना है. कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ. चलिए, एक तो मुझे यही नहीं पता कि कहाँ कहाँ कौन सी लिंक है, यही नहीं पता मुझे. वहां लिंक है ना, उस पर क्लिक करना, सीधा एनरोल कर लेना. ठीक है, चलो बाय बाय.